वेलकम टू स्कूल टाइम। आज है 13 अप्रैल 2023। हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, स्थापना दिवस 25 जनवरी को। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं श्री शिव प्रताप शुक्ल। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। सहायता कोष लॉन्च किया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो नेशनल पार्क हैं थिर गंगा, ग्रेट हिमालयन हिमालयन, पिन घाटी, इंद्र किला आदि। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है। यूरोपीय जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टस्सी गंग स्थित है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है। अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित है। तो नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, हस्तिनापुर, आदि। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की गई है।
उत्तर प्रदेश में वाराणसी को SCO ने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है, और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स व पंजीकरण शुल्क माफ किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है? तो ये किया है उद्धमपुर में, और उद्धमपुर पड़ता है राजस्थान में। अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, स्थापना दिवस 30 मार्च को। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में हाल ही में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया है, कांग्रेस का आयोजन। राजस्थान में हाल ही में 19 नए जिले बनाए गए हैं, नए जिले बनाए गए हैं, और अब कुल जिले हैं 50। कुल जिलों की संख्या 50। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनेगा। राजस्थान सरकार ने पहली महिला सहकारी निधि महिला निधि शुरू की है, निधि शुरू की। हाल ही में राजस्थान में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।